अवैध तमंचा लहराने वाला साथी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक यमुना पाल व क्षेत्राधिकारी बारा महोदय के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष कौंधियारा विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक नवीन कुमार सिंह मैं पुलिस टीम द्वारा इस दिनांक 27 अप्रैल 2022 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बल्लन सिंह यादव उर्फ बबलू पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम नौगवा थाना कौंधियारा प्रयागराज उम्र 32 वर्ष को ग्राम नौगवा थाना क्षेत्र कौंधियारा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना कौंधियारा में मुकदमा संख्या 87/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत का नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। मुकदमा संख्या 87/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बल्लन सिंह यादव उर्फ बबलू पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम नौगवा थाना कौंधियारा प्रयागराज उम्र 32 वर्ष गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक नवीन कुमार सिंह उप निरीक्षक विजय सिंह थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज को मिली बड़ी कामयाबी। कुछ दिन पूर्व नौगवा ग्राम सभा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मानिक चंद्र यादव के भतीजे का फोटो अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कौंधियारा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने अवैध तमंचे के साथ नौगवा ग्राम सभा के प्रधान के भतीजे को पकड़कर यह साबित कर दिया है कि क्षेत्र में गुंडों व माफियाओं का जीना दुश्वार हो गया है और क्षेत्र में शांति का माहौल बना है। पीटीएनआई न्यूज के लिए राम बाबू पटेल की रिपोर्ट।